टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। दिल्ली में ठंड से फिलहाल कोई राहत मिलने के आसार नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। ठंड के साथ साथ दिल्ली में कोहरे ने भी परेशानियां बढ़ा दी हैं। दिल्ली वासियों को कोहरे के कारण कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दिल्ली वासियों को दोपहर में धूप निकलने से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, पर शाम के बाद कोहरे और ठंड का असर फिर से दिल्ली पर पड़ता हुआ दिखेगा। दिल्ली में मंगलवार को तेज धूप नहीं निकली, हालांकि बुधवार को मौसम साफ रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। मंगलवार को पूरे दिन आसमान में हल्के बादल छाए रहे। आज दिल्ली में हवा की गति धीमी रहने की संभावना व्यक्त की गई है। शाम के वक्त हल्के फुल्के बादल देखे जा सकेंगे। वहीं आने वाले दिनों में दिल्ली में ठंड काफी बढ़ने वाली है। अनुमान है कि इस सप्ताह के अंत तक न्यूनतम तापमान में काफी गिरावट आ सकती है। मंगलवार को दिल्ली का प्रदूषण स्तर एक बार फिर खराब हुआ था। दिल्ली का AQI 357 यानी रेड जोन में चला गया था। वहीं नोएडा का AQI 219 और ग्रेटर नोएडा का AQI 188 से बढ़कर 238 हो गया है। इनमें सबसे ज्यादा प्रदूषित गाजियाबाद रहा, जिसका AQI 298 रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।